Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bas. Sune. बस। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ILF आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, जो अभी काजी साहब आपने सबको इकट्ठा भी किया और आज यहां इस फंक्शन के अंदर मुझे मौका दिया अपनी वुकला कम्युनिटी ILF आपसे बात करने का। और ये वो पाकिस्तान का तारीख का वो मरहला है जिसमें मुझे अपने वुकला बरादरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, आपकी जरूरत है। क्योंकि सुने, आज आपने जरा बड़ा गौर से मेरी बात सुनी है। ये जो आप एक मिनट, कोई नारा नहीं अभी आप लगाना, कोई नारा ना लगाना। जब मैं तकरीर खत्म करूंगा तब आपको इजाजत दूंगा। अच्छा, आप सुने, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, यहां नौजवान भी हैं, मुस्तकबिल आपका है, तो आपने मेरे बड़े गौर से बात सुननी है। एक ऊपर आज जो आपने लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती, इसको समझना है कि जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करती, जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जहाद नहीं करती, ये याद रखे, अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मेरी जमीन पर निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हो गई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो, ये जो आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही इंसाफ है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जो आईन आपको कानून देता है कि किन कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, वो आपको इंसाफ ऐसे देता है कि वो कमजोर तबके को तहफ्फुज़ देता है ताकतवर से। ये आपने बड़ा जरूरी मेरी आज बात सुननी है, क्योंकि मुझे बहुत रंज है जो कल एक इस मुल्क का, मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। और ये समझना है कि ये क्या हुआ है, इसका फिनोमेना समझना है आपने। अब मेरे सामने आप वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के इंसाफ के निजाम की हिफाजत करनी है। अब सुने कि इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में क्या फर्क है, ये समझना है आपने। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने तारीख पढ़ी है और मैंने अपना दीन पढ़ा है, इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में सबसे ज्यादा फर्क एक ही है, जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है। वह जिसकी ताकत जंगल का कानून है, जिसकी ताकत उसका हुक्मरानी, शहर हुक्मरान है क्योंकि ताकतवर है, सबसे जो कमजोर होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, कोई तहफ्फुज़ नहीं है। इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज़ मिले, कानून के सामने सब एक बराबर हो, इसको इंसानी माशरा कहते हैं, अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मैंने माशरे देखे हुए हैं, जब मैं छोटी उम्र में बरतानिया गया तो मैंने रूल ऑफ लॉ देखा वहां, और मुझे तब समझ आई कि वो क्यों आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर यहां कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं था,
वो मुल्क जो इलामा इकबाल जैसे ऐसा बड़ा जहन इंटेलेक्ट 500 साल तक समझते हैं कि दुनिया में इस तरह का जहन नहीं आया, उसने तसव्वुर दिया इस मुल्क का। मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर इस मुल्क ने खड़ा होना था, इस्लामी फलाई रियासत। तो मदीना की रियासत का असूल तो नंबर वन अदल और इंसाफ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली पहले नहीं आई थी, इंसाफ खुशहाली लेके आता है। जिस माशरे में इंसाफ है वो खुशहाल है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर मैं लोगों को बार बार बताता हूं, स्विट्जरलैंड मैं गया हुआ हूं, स्विट्जरलैंड में मैं अपने सारे गिलगित बल्तिस्तान का इलाका फिरा हुआ हूं। आप यकीन करें कोई मुकाबला नहीं है स्विट्जरलैंड में और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, खूबसूरती में हर तरह। लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल तबका है, मुल्क है सबसे ज्यादा। क्यों? वहां तो कोई वसाइल नहीं है, पहाड़ है हमारे बेहतर पहाड़ है, खूबसूरती हमारी ज्यादा खूबसूरती है। लेकिन वहां रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है। जो रूल ऑफ लॉ दुनिया में इंडेक्स होता है उसमें 99.9% है स्विट्जरलैंड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे। और वो मुल्क जो वसाइल में अमीर तरीन है, नाइजीरिया, सारे अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल है नाइजीरिया में, गुर्बत की इंतहा है, क्योंकि 7% है वहां रूल ऑफ लॉ, इंसाफ के इंडेक्स में वो 7% है, वो 99% है, वो खुशहाल है। और यही मेरे नबी ने जब मदीना में रियासत सेटअप की थी तो इसलिए सबसे पहला असूल उन्होंने रूल ऑफ लॉ का था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा होगी, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और बताया फिर कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ और कमजोर चोरी करे तो जेल में, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। तो आज मैं इस रूल ऑफ लॉ के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अरशद शरीफ की। एक ऐसा आदमी जो भी उसे जानता था, दो घर में शहादतें हुई थी, मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, शायद ही कोई पाकिस्तान कितनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था, किस लिए? जमीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफत, सारी सहाफी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत नहीं थी, उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था, स्टैंड लेने वाला था, हक पे खड़ा हो जाता था, अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ जिहाद करो। माशरे को जिंदा क्या चीज रखती है? जब कौम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ, जब कौम अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करना खत्म करती है, तबाह हो जाती है कौम। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है, कहीं कहीं उसने इजाजत नहीं दी इंसान को न्यूट्रल रहने की, कहीं इजाजत नहीं दी। और अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पर खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं, किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो दो लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था ना डरा सकता था। एक और वो पाकिस्तानी, वो सहाफी
जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुहिब वतन, जिस आदमी की घर में दो शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए, तो ये आज मैं आपको बताना चाहूं कि ट्रेजेडी देखें ये पाकिस्तान की, और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इंसानी माशरा और जानवरों का माशरा क्या है? जानवरों का माशरा क्या है? आप कभी टीवी पे प्रोग्राम देखें नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट, उसमें देखते हैं जो अफ्रीका के अंदर जो सबसे ताकतवर जानवर हाथी के बाद समझा जाता है वो अफ्रीकन बफलो है, जो अफ्रीका की भैंस है, वो शेर से बहुत ताकतवर होता है, उनकी तादाद हजारों में होती है। लेकिन आप देखें तो शेर क्या करता है, चार पांच शेर, वो इतने हजार होते हैं उनको डरा देते हैं, शोर शोर मचा के उनको डराते हैं, वो जब डर के भागते हैं वो चार पांच एक ही एक भैंस को पकड़ लेते हैं। अगर वो ना डरे और अगर वो खुद गर्ज ना हो तो कोई शेर की मुजाल नहीं उनके करीब जाने की, लेकिन वो अपनी जान बचाते हैं, वो खुद गर्ज भी होते हैं, अपने आप को बचाते हैं और बुजदिल भी होते हैं। इंसानी माशरे के अंदर जब कोई ताकतवर इस तरह हजूम इंसानों को डराता है तो अल्लाह ने इसलिए जहाद हमारे ऊपर फर्ज रखी है। जहाद फर्ज है मुसलमानों पे, क्यों? क्योंकि जहाद में आप जुल्म से भागते नहीं है, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाते, जुल्म का मुकाबला करते हैं। यह हुक्म है अल्लाह का, अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ऊपर जुल्म कम करते हैं जब जुल्म के सामने खड़े होते हैं, एक माशरे को जिंदा रखने के लिए हम जुल्म का मुकाबला करते हैं। अरशद शरीफ, इसको जब धमकी आई, नामालूम नंबरों से धमकी आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रिजीम चेंज हुई है वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया, फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं, उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले, उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो चार बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। बस देखे, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको, कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे, और वो ही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, शबाज गिल से किया इन्होंने, जमील फारूकी एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट उसको इन्होंने किया, सीनियर सहाफी वो मुल्क छोड़ के भाग गया साबिर शाकर, उसको धमकियां दी। ये वो लोग हैं, एयाज अमीर, इस कौम उसको 30 साल से जानती है, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उनके पीछे पड़ गए कि किसी तरह डरा के इनको धमकाएं और खौफजदा करें, और कोई शर्म नहीं इनको कि वो लोग जो कौम उनके क्रेडेंशियल्स उनको इतनी देर से जानती है कि हमेशा ये मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े हुए हैं,
उन लोगों को चुना जिनका जमीर का सौदा नहीं होता था, जिनके जमीर के सौदे हुए हैं वो तो सब आज आप टीवी के ऊपर देखें, सारे गुण गा रहे हैं उन लोगों के जो 30 साल से सर्टिफाइड चोर ऊपर बैठ गए, आके अपने करप्शन के केसेस खत्म कर गए, मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। उनके खिलाफ कोई बात करें ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं धमकाते हैं। तो मैं आज अरशद शरीफ, और देखें हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। मेरी नजर में शहीद वो है जो पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है, वो जब अपने मुल्क की हिफाजत करता है बॉर्डर्स पे, वो शहीद होता है, वो सिपाही शहीद होता है, वो फौजी शहीद होता है, वो पुलिस वाला शहीद होता है। वो पुलिस वाला जब अपनी जान खतरे में डाल के अपने मुल्क की हिफाजत करता है, ये सब शहीद है। लेकिन जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग आ रही थी, मैंने इसको बताया, उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी, इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। सारे सहाफियों, जितने भी पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये आज आप सबके लिए है कि आज आप चाहे अशरफ शरीफ के से मुत्तफिक हो या ना हो, या आप दूसरे कैंप में बैठे हो और इन चोरों की हिमायत कर रहे हो, या आपके ऊपर लफाफे चले हुए हों, जमीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि ये है पाकिस्तान का वो सहाफी जो शायद ही मैंने एक इतना दलेर, ईमानदार और मोहब वतन सहाफी देखा हो, जो बिल्कुल अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर। और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह जो अपनी मार्च करने वाला हूं, मैं आज मेरा जो अजम है वो कभी भी इतना तकड़ा नहीं था जितना आज है, क्योंकि मैं आज फैसला कर बैठा हूं कि मुल्क अब दो राय पे खड़ा है। एक तरफ ये वो सारे चोर 30 साल से 26 साल से मैं जिनके खिलाफ करप्शन की जहाद लड़ा हूं वो सब इकट्ठे हैं, उनके साथ मीडिया हाउसेस जो उनके साथ पैसे बना रहे हैं वो इकट्ठे हैं, उनके साथ नामालूम अफराद वो उनके साथ मिले हुए हैं, इनके साथ बैरूनी साजिशें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान एक कमजोर मकरूज मुल्क रहे ताकि वो गुलाम बन सके, वो इनके साथ हैं। और सारी कौम जो आज इससे तंग है, मैं आज सारी कौम को कहता हूं कि आज मेरे साथ आपने खड़ा ना हो, ना आज आप मेरे साथ निकले जब मैं निकलूंगा, तो इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि अल्लाह ने तो उसको सब कुछ दे चुका है। लेकिन आपका मुस्तकबिल भेड़ बकरियों वाला होने वाला है, जानवरों वाला होने वाला है, दो माशरे, इंसानी और जानवरों का माशरा। जानवरों का माशरा जुल्म का मुकाबला नहीं करता, भेड़ बकरियां नहीं जालिम के सामने खड़ी होती, इंसान, और वो भी जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, उस उम्मत के ऊपर तो वैसे ही फर्ज है कि आप ये जुल्म के सामने खड़े हो, भेड़ बकरियों ना बने, खौफ के बुत की पूजा ना करें, यह सबसे बड़ा बुत है। कूफा के लोग, कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से उन्होंने मुसलमान की तारीख का सबसे
बड़ा जुल्म उन्हें दिया क्योंकि वो डर गए थे। आज ये कौम भी ये जो हरबे हैं, ये जो लोगों को नंगा करके 75 साल के आजम स्वाति को सोचे नंगा करके उन्होंने टॉर्चर की किस चीज के ऊपर कि तनकीद कर दी किसी की, दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। एक इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, कि वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ था। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया, और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है, ये बस मैं, ये वो लोग मेरे पाकिस्तान की वकला बरादरी, ये जो मरहले पे हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सब के लिए चैलेंज है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, बार बार आजमाऊंगा। वो क्यों कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ा तो मैं कहा मैं मुसलमान हो गया बस, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे ईमान को आजमाऊंगा मुश्किलों से ताकि पता चले कि कितने पानी में है। ये है अब इस मुल्क के लोगों की ईमान की आजमाइश। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे मुल्क बना था, अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, क्या हम अब ये जुल्म के बुत के सामने झुकेंगे कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को, वो जिस तरह शेर नहीं वो हमला करते हैं, डराते हैं लोगों को, ये भैंसों को, अफ्रीकन बफलों को, वो सब भाग जाती है फिर पकड़ लेता है एक को, ये भी एक को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। मैं इनके सामने निकलूंगा और इंशाल्लाह जब तक मैंने फैसला किया है, मेरा फैसला है जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। और आपको, आपने सबने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि याद रखें अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की किसी को इजाजत नहीं दी, या एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो, या इन डाकुओं के साथ हो और या राय हक पे चलो, इनके सामने खड़े हो। तो आपके ऊपर खास जिम्मेदारी है, आप है पाकिस्तान की वो कम्युनिटी जो जानती है इंसाफ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, आप वो लोग हैं जिनके ऊपर आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी है, और इसलिए आपने अब मेरे साथ चल रहे हैं। और इस मुल्क में जो मैं 26 साल पहले निकला था इंसाफ की तहरीक इंसाफ, इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए आप सबने मेरे साथ खड़े होना, शुक्रिया।